पवई में प्रशासन की अनदेखी के छत्रसाल स्टेडियम का अस्तित्व खतरे में है। प्रशासन की उपेक्षा के चलते स्टेडियम में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा है। दिन ढलते ही छत्रसाल स्टेडियम में शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। चारों तरफ से बाउंड्री वॉल टूटने पर स्टेडियम आम रास्ता बन गया है। छत्रसाल स्टेडियम में पीने के पानी समेत कई व्यवस्थाओं की कमी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ इतने सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जा रहे हैं, पर ग्राउंड में जो अव्यवस्थाएं हैं और प्रशासन का जो रुख है, जो अनदेखी है, वो बड़ी असहनीय है। इस तरीके से अगर इस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शासन की मंशा अनुसार हम बोलते हैं कि हमें खेल प्रतिभा को आगे लाना चाहिए, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा, पर जो प्रशासन है, जो निचले स्तर का अधिकारी वर्ग है, वो इस चीज़ पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहा है। शाम को वहाँ पे सदा भी जुट जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ से चार दीवारी नहीं है और ग्राउंड कभी जाता नहीं, तो अतिक्रमित हो रहा है। कहीं संतान घाट के नाम पे, कहीं किसी नाम पे हाथ पे लोग जगह जगह से दीवार तोड़ दे रहे हैं और सरकारी संपत्ति के लिए क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी देश पे ध्यान बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, समुचित प्रकाश की व्यवस्था हो और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल का निर्माण हो जाए, ताकि बच्चे आए और कल का भविष्य निखर के आए। वहाँ पर ना तो स्टेडियम में कोई भी, आपने देखा होगा जो पहले बाउंड्री वॉल बनी हुई थी वो भी टूट गई है और अपने अपने स्वार्थ हेतु वहाँ पर बाउंड्री वॉल तोड़ी जा रही है। उस पर जमावड़ा लगता है शाम को शराब पीने वालों का, और वहाँ पर ना आज तक सभी आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आज तक गेट नहीं लग पाया। शासन को थोड़ा सा इसमें स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। हमारी जो नई SDM आई है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, शायद वो इस बात को या बच्चों की आवाज़ उन तक पहुँचेगी।